मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पटवारी ने भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। दरअसल एक रिपोर्ट में प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए। शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले का आरोप लगाया। पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट पर घोटालों का आरोप लगाया और बताया कि मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। एक और प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग में ही कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं व मासूम बच्चों के अनाज पर डाका डालते हुए उनके पोषण आहार पर ही करोड़ों का घोटाला किया जाता है। पटवारी ने कारम डैम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जिस डैम की डीपीआर 100 करोड़ रुपए थी, वहीं शिवराज सरकार में 300 करोड़ की ही हो जाती है और 300 करोड़ का डैम मिट्टी में बह जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री वहां तिरंगा फहराते हैं। अली बाबा 40 चोर, जो शिवराज जी हैं वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बने हैं। लूटो देखूंगा ही नहीं, रोज देखूंगा टीवी को, वीडियो को, विजुअल को और विज्ञापन। आपने कारम डैम में हुआ, एक आदमी को तो पकड़ के बता देते कि तू दोषी है, नहीं बताया। क्यों? 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ का करने का पावर तो मुख्यमंत्री का ही था, इस कैबिनेट का ही था। तो सारे चोर हैं, कहे तो कहे किसको, सजा दे तो दे किसको। तो ये भावना आपने जो बोली कि इन परिस्थितियों में जनता ही जनार्दन है, उसको पता चलना चाहिए कि ये इस तरीके का भोली सूरत के पीछे कितना क्रूर चेहरा है।